मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि आप लोग सेंटअप का एग्जाम अभी दे चुके हो, तो अब आपकी तैयारी है फाइनल एग्जाम की। इस फाइनल एग्जाम में मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों ने सेंटअप का एग्जाम दिया है, तो इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप पर पूछ रहा है। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो इस तैयारी में अब तो आप फाइनल एनुअल एग्जाम के की तैयारी में लग जाइए। और इस तैयारी में मेरे तरफ से जो भी मदद हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मदद करूँगी भी। और आप मेहनत के साथ मेरे साथ रहिए। आपकी तैयारी के लिए, तैयारी में तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं या जिनका बाकी है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और तैयारी में लगिए। आपके एग्जाम को देखते हुए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ 12th क्लास के हिस्ट्री का। आगे मैं अन्य सब्जेक्टों का भी स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी पूरा फोकस 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट पर होगा। तो क्रैश कोर्स के तहत मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर ही मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। कारण कि यदि मैं पूरे टॉपिक को, चैप्टर वाइज पूरे टॉपिक को डिटेल से पढ़ाना स्टार्ट करूँ, तो ये इतने दिनों में संभव नहीं है। लेकिन ये भी आप मत सोचिएगा कि मैं कुछ टॉपिक को छोड़ रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कराते जाऊंगी और उसमें जो टॉपिक आएगा उसे मैं तुरंत ही डिस्कशन करते जाऊंगी और आपको समझाते जाऊंगी। ठीक है, तो आज हमारी बातें तो यहीं समाप्त होती है। अब अपने काम में लग जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप लोग नोट्स बनाइए, ये देखिए वीडियो को देखिए। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या, कौन सा है? प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व, द हिस्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पा आर्कियोलॉजी। ये चैप्टर का नाम है, जिसे हम लोग पहले भी आप लोग पढ़े होइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ना है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व। पूरा तत्व यानी आर्कियोलॉजी। तो हम पूरा तत्व शब्द क्या है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब स्टार्ट अभी करते क्या है कि पूरा तत्व यानी आर्कियोलॉजी क्या है। देखिए, पूरा तत्व क्या है सबसे पहले मन में तो होगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा तत्व के अंतर्गत ही आता है, तो पूरा तत्व के तहत ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। तो पूरा तत्व क्या है? पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आया समझ में? यानी कि पूरा तत्व के माध्यम से हम लोग अतीत के गर्भ में, यानी अतीत काल में, पृथ्वी के गर्भ में जो चीज़ें समा गई है, यानी पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें दब गई है, उन चीज़ों की खुदाई करके, उन खुदाई के तहत उस समय लोगों के भौतिक जीवन किस प्रकार की थी, यानी जो जो चीज़ें मिलती है उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोगों के भौतिक जीवन किस तरह की थी, या किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन वो लोग जीते थे, इसके बारे में हम लोग पता करते हैं। उसी को कहते हैं पूरा तत्व। अब पूरा तत्व आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। अब कहते हैं पूरा तत्वविदों द्वारा पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार से की जाती है। ठीक है, अब तो हम लोग कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पूरा तत्व के अंतर्गत ही आता है, तो पूरा तत्वविद यानी पुरातात्विक तत्वों की खोज जिस इतिहासकार के अंडर में की जाती है, या जो इसमें जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब पुरातत्व को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये पुरातात्विक उत्खनन, उत्खनन मतलब एक्सप्लोरेशन यानी कि खुदाई, कितने तरह से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं।
देखिए, एक होता है लंबवत उत्खनन यानी वर्टिकल एक्सप्लोरेशन, वर्टिकल लंबवत। इस उत्खनन से विभिन्न सभ्यताओं की प्राचीनता का पता चलता है, यानी कि वर्टिकल उत्खनन से लंबवत किसी भी वस्तु के बारे में या जगह के बारे में पता करना होता है तो कि वो कितने प्राचीन हैं, तो लंबवत लंबवत खुदाई की जाती है और जो वस्तुएं जितने स्तर पे मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि ये चीज़ कितना प्राचीन है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है उतनी ही प्राचीन होती है। इस उत्खनन को समय निर्धारण में स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि लंबवत उत्खनन को क्या कहा जाता है, स्तरीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन आ भी सकता है कि लंबवत उत्खनन को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा स्तरीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं या स्तरीकरण की पद्धति भी कहते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पुरातात्विक उत्खनन कितने प्रकार से की जाती है, तो दो प्रकार से की जाती है। पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव सबसे पहले मिस्र में पीट रिवर्स महोदय ने डाली थी, ठीक है। यानी इस तरह की उत्खनन का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया, मिस्र के रिवर्स महोदय ने। मिस्र में इस तरह के उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन किया था महोदय ने डाली थी। वो कब से कब तक थे, वो 1835 से 1902 ईस्वी तक। क्षैतिज उत्खनन, जिस किसी भी स्तर के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होती है उस गहराई पर क्षैतिज उत्खनन कराया जाता है। यानी कि हम लोग पहले लंबवत उत्खनन करेंगे और जिस स्तर पर जाके कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होना स्टार्ट करेगी तो यानी हमें पता होगा कि उस स्तर पर कुछ चीज़ें मिल रही है, यानी कि इतनी पुरानी है, तो फिर हम लोग बृहद स्तर पर बड़े पैमाने पर चौड़ाई में उसका क्षैतिज उत्खनन यानी हॉरिजॉन्टल उत्खनन कराएंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वही है क्षैतिज उत्खनन। तो ये हो गया दो प्रकार। अब चलते हैं कि भारत में सबसे पहले पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी, किसके अंतर्गत हुई थी, डेट वाइज डेट हम सिंधु घाटी की सभ्यता की जैसे खोज की गई तो सबसे पहले किस तरह की खोज हुई, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यानी कि 1784 का डेट वो डेट है जब प्लासी का युद्ध हो चुका था, बक्सर युद्ध हो चुका था और कलकत्ता का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में अनेक कार्य किए, उन्हीं के शासनकाल के दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के दौरान विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ये एशियाटिक सोसाइटी है क्या, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि इसके तहत भारत में जितने भी पुरातात्विक स्थल है यानी पुराने खंडहर, महल, स्मारक, मंदिर, उनके जो पृथ्वी के नीचे दब चुके हैं उनको खुदाई की गई और उनके महत्व के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई। 1861 में 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, उसके तहत जब काम स्टार्ट हुआ तो 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। कनिंघम को इसका निर्देशक नियुक्त किया गया है, यानी कि पहला जो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई उसे कनिंघम को पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। 1872 ईस्वी में 1872 में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय किया गया और कनिंघम को ही इस परियोजना को डायरेक्टर जनरल बनाया गया, इस परियोजना का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, ठीक है। यानी कि 1861 में भारत के कुछ चुनिंदे स्थल के लिए किया गया, विभाग की स्थापना की गई, लेकिन 1872 में यह निश्चय किया गया कि पूरे भारत में ये पुरातत्व विभाग कार्य करेगी और पुरातात्विक वस्तुओं की खोज करेगी। उसके भी डायरेक्टर जनरल कौन थे, कनिंघम महोदय। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने, 1872 में तो कनिंघम थे, 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। अब हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता का इतिहास, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, कैसे की गई, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में
कैसे पता चला, लोगों को कैसे जानकारी हुई कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। 1826 में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का उल्लेख किया, यानी कि 1826 से पहले हड़प्पा के बारे में भारतीय डायरेक्टर जनरल या भारतीयों को पता नहीं था। वो हड़प्पा सभ्यता की जो मकान है, जो स्नानागार, जो भी साक्ष्य हैं, वो पृथ्वी के नीचे दबे हुए थे। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले, जो टीले बने थे, उनके उन्होंने कुछ ऊपरी भाग देखे। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि 1856 ईस्वी में यह समय था लॉर्ड डलहौजी का काल। इस समय अंग्रेज भारत में अपनी उपनिवेशिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत में रेल लाइन बिछाना स्टार्ट किया। इस रेल लाइन बनाने के क्रम में, जब कहाँ से कराची से लाहौर तक रेल लाइन बनाया जा रहा था, रेल लाइन बिछाने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में ईंटों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहीं कहीं जब टीला देखा तो उन्हें खुदाई स्टार्ट किया। जब खुदाई स्टार्ट किया तो उन्हें तो पता चला या यहाँ तो पूरा महल बना हुआ है, यह तो पूरा विकसित क्षेत्र है, तो ये तो जरूर कोई सभ्यता हो सकती है। कारण कि एक महल तो है नहीं कि हम मिट्टी ईंट उखाड़ ले उसमें से, बाकी वहाँ से छोड़ दे उस स्थल को। तो इसी के समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए, कुछ मुहरे प्राप्त किए, क्वाइंस, और ईंट तो निकल ही रहे थे। और तब उन्होंने उस स्थल को पुरातत्व विभाग के हवाले कर दिया, यानी उन्हें सौंप दिया कि वे अपना कार्य यहाँ से स्टार्ट करें। 1873 में जनरल कनिंघम को कुछ हड़प्पाई वस्तुएं प्राप्त हुई। यानी 1873 में जब वे पूरे भारत के गवर्नर जनरल, ये डायरेक्टर जनरल बने पुरातत्व विभाग के, तो 1873 ईस्वी में उन्हें कुछ हड़प्पाई यानी हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में जे एफ फ्लिट महोदय ने यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। उसी समय जे एफ फ्लिट भी थे, एक इतिहासकार थे, उन्होंने उन वस्तुओं के आधार पर एक लेख प्रस्तुत किया पेपर में। कनिंगम और फ्लिट सर ने हड़प्पा सभ्यता के महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहे। कारण, कनिंगम और जे फ्लिट थे इतिहासकार थे, एक पुरातत्व विभाग का निर्देशक था और एक इतिहासकार था। तो उन्होंने जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए, उन साक्ष्यों से वो लोग अनभिज्ञ थे। वे सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में वो लोग जानते थे, प्राचीन बौद्ध धर्म के बारे में। तो उन्होंने उस समय उपस्थित साक्ष्यों की तुलना या कंपेयर उन्होंने बौद्ध धर्म के उपस्थित साक्ष्यों से की, लेकिन उसमें कोई भी साक्ष्य मिल नहीं रहा था। तो वो लोग असमर्थ रहे, यह जानने में असमर्थ रहे कि यह भाई कौन सी सभ्यता है। तो उन्होंने, उनके टाइम में इतिहासकार जो थे, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। हड़प्पा जैसे महत्वपूर्ण सभ्यता का महत्व का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम सहनी को जाता है। उस समय डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल था, यानी कि 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बना। ठीक है, तो उनके अधीन उसने भी बहुत सारे क्वाइंस प्राप्त किए, मुहरे प्राप्त किए। उनके अधीन दयाराम सहनी जो उत्खनन करता था, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, मुहरे प्राप्त हुई, उसी के आधार पर उन्होंने पता लगाया कि उस स्थल का नाम हड़प्पा था। तो उन्होंने उस हड़प्पा की खोज की, जगह का। तो फिर दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के तट पर हड़प्पा के कई मुहरे प्राप्त किए। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया कि रावी नदी के तट पर 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा की बहुत सारे मुहरे प्राप्त किए। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों के आधार पर ही जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में समस्त विश्व के सामने एक नवीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा की। यानी कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। जब ये किस आधार पर हुई? सिक्कों के आधार पर हुई। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल जो था, जब उन्होंने सिक्कों के आधार पर यह पता लगाया कि अरे यार, यहाँ भी तो वैसा ही जगह है, उसी तरह के साक्ष्य मिल रहे हैं, ये भी हड़प्पा भी वैसा ही है, तो उन्होंने कुछ अनुमान लगाया कि इसके आसपास का क्षेत्र इसी सभ्यता से मिलता जुलता है।
तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा का पता लगा, तो इसीलिए सोचा क्यों नहीं इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। और ये सारी सभ्यताएं जो थी, जो नगर मिल रहे थे, वो सिंधु नदी के किनारे थे, तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने, जब ये लोग पूरे कन्फर्म हो गए ये तो श्योरली कोई सभ्यता है, कोई एक सिंगल महल नहीं है, कोई एक मकान नहीं है, ये एक कोई एक जगह नहीं है, ये तो पूरा इसका परिवेश फैला हुआ है, तो इसके आधार पर उन्होंने दुनिया के सामने 1924 ईस्वी में यह घोषणा कर दी कि भारत में भी एक सभ्यता विकसित है, वह सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता कहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहिए। तो उन्होंने 1924 ईस्वी में इसकी घोषणा कर दी। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट एक इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, तो जरूर ये किसी बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रही होगी, अनुमान के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा। हड़प्पा सभ्यता उसके बाद से धीरे 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 करके उसके आसपास हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर मिलना स्टार्ट हो गए। तो उसके आधार पर जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के क्वाइंस, मूर्तियाँ, पेड़, मिट्टी के बर्तन, अनाज के भूसे, टीले प्राप्त हुए, उसके आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया कि ये पूरी सभ्यता एक ही सभ्यता है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जो प्राप्त हुए उसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार रूप में, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है, त्रिभुजाकार। इसमें कुछ प्रमुख नगर नगर तो प्राप्त हुए दर्जनों, लेकिन परिपक्व मैच्योर अवस्था में जहाँ उस सभ्यता की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उस 5-6 नगर हैं जो मैच्योर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़ आदि इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं, मैं आगे आपको बताऊँगी। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। यह अवधि डॉक्टर REM व्हीलर द्वारा निर्धारित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या था इसके बारे में इतिहासकारों के बीच मतभेद है, लेकिन एक टाइम है 2500 से 1750 से REM व्हीलर ने इसे जारी किया है। इससे बहुत सारे इतिहासकारों इस पे इस डेट पर सहमत हैं और ये मान्य तिथि है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,699,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में मैं और बताऊंगी, ये तो संक्षिप्त जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकते हैं, ऐसे ही आप एक एक करके ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इससे सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन हल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ आपको, वैसे ही मैं आगे भी इस चैप्टर का कुछ भाग आगे भी अपलोड करूँगी। देखिए, हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी हासिल की है उसी के आधार पर देखिए क्वेश्चन है। हो सकता है आपके इस क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन तो लड़ ही जाए, मैच कर ही जाए। देखिए, हड़प्पा की खोज कब की गई, 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखल दास बैनर्जी ने। अगर इससे क्वेश्चन पूछ दे कि मोहनजोदड़ो के टाइम समय में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल कौन था, तो आप कहिएगा जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल प्राप्त हुआ उनके बीच की दूरी 483 किलोमीटर। गोदी का अस्तित्व कहाँ था, लोथल में। मैं आपको बताऊंगी कि लोथल के बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगी, लेकिन आपको एक शब्दों में थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर दूं कि लोथल जो था ऐसा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, यानी गोदी, गोदी का मतलब है बंदरगाह। बंदरगाह वो समुद्र का किनारा जहाँ जल मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता है, उसे गोदी कहते हैं। तो गोदी का अस्तित्व कहाँ मिला है, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। गुजरात के यानी कि ये अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इस कारण वहाँ मेसोपोटामिया, मिस्र से इनका व्यापार होते रहता था। फारस की मुहरें कहाँ से मिली है, लोथल से। जैसे थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाइएगा तो आंसर इसका दे दीजिएगा, कारण कि फारस की मुहरें, व्यापार तो होता था बंदरगाह द्वारा लोथल से, तो विदेशी मुहरें कहाँ पर मिलेंगी, स्वतः पता है कि लोथल से ही मिलेंगी। बेलनाकार मुहरें किस सभ्यता की विशेषता है, तो बेलनाकार मुहरें
मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता है। और ये मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। तो ये प्रचलित कहाँ थी? मेसोपोटामिया में। और ये भारत में कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं विस्तृत बताऊंगी। सिर्फ स्नानागार ही नहीं मिला है, बहुत चीज़ मिला है, लेकिन आप इतना ही क्वेश्चन देखिए। हड़प्पाई मोहर पर सर्वप्रथम कनिंगम महोदय ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1875 ईस्वी में। यानी हड़प्पा सभ्यता से जो कुछ मोहरे प्राप्त हुई उसके आधार पर कनिंगम महोदय ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। रिपोर्ट तो प्रस्तुत किया, लेकिन वो इसकी घोषणा करने में, हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में असमर्थ रहे। और आगे चल के जॉन मार्शल को इनकी घोषणा से काफ़ी सहायता मिली। हल से जुते खेत के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से। यानी खेती के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन मैं सारे स्थल के बारे में विस्तृत करके एक एक करके बताऊंगी। देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोग तो कॉपी बना ही लीजिए। ठीक है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर आपको ये पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपना अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए कि कैसा लगा। मैं फिर आ रही हूँ इसके अगले पार्ट को लेकर, जिसमें बहुत सारे डिस्कशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, गुड नाइट।